हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं रीट शिक्षक भर्ती 2019 के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके सामने घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट खबरों की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और इसके साथ ही अगर आप रीट 2019 की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इसके लिए आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद में हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके पूरा स्टडी मटेरियल रीट का बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो इस बार आपकी जो रीट की परीक्षा है वो ओनली पात्रता परीक्षा रहने वाली है। शिक्षक बनने का इंतजार करे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत। शिक्षकों के 21,000 पदों पर भर्ती की तैयारी इस साल हो सकती है शिक्षक पात्रता परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान शिक्षा पात्रता परीक्षा रीट का इंतजार करें लाखों अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। शिक्षा विभाग के लिए बजट में की गई 21,000 पदों पर भर्ती की तैयारी के लिहाज से इस साल रीट का आयोजन हो सकता है। विभाग ने रीट के आयोजन को लेकर खाका तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। समक्ष स्तर पर अनुमति के बाद इस काम को और गति मिलेगी। फिलहाल दो विकल्पों का ध्यान में रखकर रीट का आयोजन की तैयारी की जा रही है। उनमें से एक तो नवंबर में रीट की परीक्षा का आयोजन कर लिया जाए और इस महीने संभव नहीं हो तो फरवरी में इसका आयोजन किया जाए। रीट के आयोजन की जिम्मेदारी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास है। बोर्ड के पास अक्टूबर से लेकर फरवरी तक कोई अधिक काम नहीं है, इस कारण इसी अवधि में रीट हो सकती है। फरवरी के बाद बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं, उनमें से उस अवधि में रीट का आयोजन को लेकर बोर्ड के सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती है। विभाग के अधिकारी जल्द ही रीट के आयोजन को पूरी रूपरेखा तैयार कर सक्षम स्तर पर रखेंगे और उसके बाद अनुमति मिलते ही आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सरकार ने इस बजट में विभाग में 21,000 पदों पर भर्ती का ऐलान किया था। हालांकि यह नहीं बताया कि उनमें से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के कितने पद होंगे, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पदों पर भर्ती से पहले रीट का आयोजन जरूरी है। ऐसे में विभाग चाहता है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले रीट का आयोजन कर लिया जाए ताकि फिर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू होने में परेशानी नहीं हो। और 9 सालों में 4 बार ही हुई है, आपको बता देना चाहूँगा, रीट, जिसमें 2011 के अंदर आपका आरटेट का पेपर हुआ, 2012 के अंदर आरटेट नाम से हुई है और उसके बाद में 2015 और 2017 के अंदर रीट के नाम से ये परीक्षा आयोजित हुई। और यहाँ पे आप देख सकते हो अभ्यर्थियों को 2 साल से रीट का इंतजार है। अक्टूबर से फरवरी तक का समय रीट के लिए उपयुक्त है। सरकार को चाहिए कि इस अवधि में रीट का आयोजन कर बेरोजगारों को राहत पहुँचाए, साथ ही 21,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया ही जल्द हो। उपेन यादव, अध्यक्ष राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हो क्लियरली आपके 21,000 पदों की भर्ती होने वाली है और उसमें आपके रीट का आयोजन जरूरी है, तो रीट का नवंबर या फरवरी के अंदर आपके एग्जाम होने के चांसेस यहाँ पे बताए गए हैं। तो देखना यह है कब तक यहाँ पे रीट के बारे में विज्ञप्ति जारी होती है। जब भी रीट से जुड़ी कोई खबर आएगी तो सबसे पहले आपको देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट खबरों की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।